और अब देश की बड़ी खबरों के लिए नजर डालिए भारतवर्ष टॉप नाइन पर। विस्तारवादी चीन की घेरेबंदी के लिए भारत अब क्वाड देशों से साझेदारी मजबूत करने में जुटा है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज के बाद जापान के पीएम किशिदा भी भारत आ रहे हैं। 20 से 21 मार्च को जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता होगी। बेंगलुरु में विजय संकल्प यात्रा का आगाज कर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने डीएमके पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पार्टी तमिलों का नहीं बल्कि अपने प्रिय पुत्र का ख्याल रखेगी। नड्डा ने डी का मतलब वंश, एम का मतलब धन की ठगी और के का अर्थ कट्टा पंचायत बताया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। यूपी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण मामले पर गठित आयोग जब सीएम को रिपोर्ट सौंपने गया तो कुछ सदस्य जूते उतारकर कमरे में दाखिल हुए। अखिलेश ने तस्वीरें शेयर कर तंज कसा है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया। सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। दिल्ली में शराब कांड को लेकर बीजेपी आप में सियासी घमासान तेज है। केजरीवाल को घोटाले का मुख्य सूत्रधार बता रही बीजेपी ने उनसे इस्तीफे की मांग की और जमकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर केजरीवाल ने प्रहलाद और हिरण्या कश्यप को याद दिलाते हुए केंद्र पर निशाना साधा। लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन जारी है। दिल्ली में तेजस्वी लालू की बेटी और गाजियाबाद में समधी के घर समेत पटना, रांची, मुंबई और गुरुग्राम में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कानूनी एक्शन जारी है। पुलिस ने वायरस पंजाब दे के सोशल मीडिया हैंडलर गुरिंदर पाल को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वो विदेश भागने की फिराक में था। फिलहाल कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने के बाद उसे बेल दे दिया है।